अतिथि देवो, जिनका घर साफ सुथरा रहता है, जिनके घर के लोग साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं, जो लोग साफ विचारधारा रखते हैं, स्वस्थ स्वच्छ बात करते हैं, साफ बोलते हैं, उन्हें हम सभी पसंद करते हैं। और हम क्या है क्या नहीं है ये हमारे व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे विचार से झलकता है। अगर आप लोगों को आपस में ही बात करना इतना जरूरी है, आप ही का काम छोड़कर हम लोग इकट्ठा होते हैं, आपके लिए मैं आता हूं, तो आपको सुनना चाहिए किसी भी आदमी को जब यहाँ कोई बोलते हैं लगती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात, पिछले दिनों आप देखे होंगे अखबार में, आपने पढ़ा होगा, आप जो है सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, गालियां देना तो बहुत आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, गालियां देते हैं, लिखते हैं पेपर में, अखबार में, इस शहरों में पूरा ही मैं तो नहीं समझता संपत्ति से बढ़कर कोई दूसरी पूंजी होगी अधिक मूल्यवान, वो इसलिए भी नेशन के अर्थ में भी, क्योंकि आप सभी हमारे राष्ट्रीय धन हो, जितने हमारे बच्चे हैं सब हमारे नेशनल वेल्थ हैं आप लोग, क्योंकि कल होकर आप ही हमारे भारत के नागरिक बनोगे, इसी में से MP बनेगा, इसी में से MLA बनेगा, इसी में से सारे जनप्रतिनिधि आएंगे, ऑफिसर आएंगे कि नहीं आएंगे बोलिए, कहाँ से आएंगे। कठिन होता है क्योंकि हम सभी लोग आदमी हैं, माने 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, रजोगुण तमोगुण सब गुण है, तो बुरे तत्व भी है शरीर में, मन में, कोई भगवान नहीं है, सब हम लोग इंसान है। लेकिन बुरा तत्व दबा हुआ रहता है, अच्छाई का तत्व ज्यादा रहता है, तो वो अच्छा आदमी है, जिससे बुराई का तत्व ज्यादा हो गए बुरा आदमी हो गया, वो बुरा एक्ट करने लगता है, पापी हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको सजा भी मिलती है, कर्म का फल तो यही भोगना सब। मैं कल ही रात में एक लिखा था, एक रचना, आज हम सब इकट्ठा हुए यहाँ पर स्वच्छता को एक मिशन बनाया। आप सोचिए कि हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को कितना महत्व दिया कि वे स्वयं झाड़ू को अपने हाथ में पकड़े, यह एक प्रतीक, ये हम सबों के लिए एक चेतना जगाने का एक जो माध्यम था, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और ऐसे भी हमारी संस्कृति में कहा गया है कि साफ मन जब तक नहीं हो, प्रिंसिपल महोदय अगर आप सुनना चाहें तो आध्यात्मिक ही है। मैंने किसी भगवान का नाम नहीं लिखा है, इसलिए आजकल बहुत सारे विवाद होते हैं, तो मैं किसी भगवान का नाम नहीं लिखा हूँ। भगवान तो समझिए बहुत लोग मानते भी नहीं है, लेकिन आप माने ना माने अच्छा काम तो अच्छा काम ही होता है।
काम को करने से दिल को सुकून मिले वो अच्छा काम है, और जिस काम को करने से औरों को भी सुकून मिले जरूर वो अच्छा काम है। तो अच्छी बातें या अच्छी रचना या भगवान कहिए, खुदा कहिए, वाहेगुरु कहिए, अल्लाह कहिए, राम कृष्ण जो कहिए, सब तो एक ही है, नाम अलग अलग है। सुना है करते हैं वो शरण में आए नरह को, शरण में आए नरह को, मेरा कौन अधम होगा। मुझे कौन अधम होगा धरा पर इस जमाने, बड़ा आनंद मिलता है हरे गुण गुण गुनाने में, बड़ा ही गर्व होता है प्रभु का भक्त कहावे में, बड़ा हरे गुण गुण गुनाने। अभियान का जो चरण है उसमें बहुत सा परिवर्तन हुआ या आगे भी होने वाला है, तो हम लोग बराबर ये कोशिश करें कि सफाई हम खुद को भी अपने को देखें कि हमारे अगल बगल कितनी सफाई हो रही है। बातों का ध्यान रखना होगा, इन सब बातों के ध्यान रखने के कारण ही आज इतना हम सफल हुए हैं। अदरवाइज आपको मैं बता रहा हूं, एक साल मैं खुद ही चला गया, कोई था नहीं, तो इतना इतनी गंदगी थी वहां कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा था एक बात आपको, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि आप आगे सफल हो और भविष्य में आगे बढ़े। थैंक यू। निवास होता है और इंग्लिश में कहावत है हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से स्वच्छता आवश्यक है। आप यहाँ भी रहें, अपने घर में रहते हैं, वहाँ अपने आप को, अपने घर को, अगल बगल को स्वच्छ रखने का कोशिश करें। जिस संस्था में आप काम करते हैं वहाँ हम अपने से भी कार्यक्रम करें और अन्य लोगों को उत्प्रेरित करें, और फिर इस तरह का कार्यक्रम जैसा कि हमारा महाविद्यालय टाइम टू टाइम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को मनाता है और हम लोग लगे रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहने के बावजूद भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। हमने पत्र भी स्थानीय प्रशासन को लिखा, कई एक बार लिखा है, डीडीसी साहब के सौजन्य से एक बार दक्षिणी गेट जो है वहां का कचरा भी वहां साफ करने की आवश्यकता है। एक महीना पहले भी हमने पत्र लिखा है नगर आयुक्त के नाम से भी, मैं डीडीसी साहब से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारा जो दक्षिणी गेट है खासकर उसको एक बार आप साफ करवा दीजिए अपने ये से, उसके बाद मैं वहां पर प्लांटेशन बोटनिकल गार्डन बना दूंगा। वह ऐसा बना